इसे अगर हम लोग अपने जितने भी हम हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, देखिए जहां जंग जायज है, बात और जो सुनिएगा कि जंग जायज है क्योंकि गुस्ताखी मरवान ने की है, लिहाजा जंग जायज है। इस्लामी कानून के एतबार से भी जायज है कि दुश्मन जो है गुस्ताखी कर रहा है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस दुश्मन के मुकाबले में जुमला फरमा रहे हैं कि हम जंग की इब्तिदा अपनी तरफ से करना नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कि कम से कम इमाम के चाहने वालों को कभी भी किसी लड़ाई की इब्तिदा अपनी तरफ से नहीं करनी चाहिए। जब हमारे अपनी तरफ से नहीं कर, और जब कोई भी हम में से अपनी तरफ से लड़ाई की और इख्तलाफ की इब्तिदा नहीं करेगा तो इख्तलाफ और लड़ाई होगी क्यों? सलाह पढ़े मोहम्मद वाले। लड़ाई की इब्तिदा नहीं करेगा तो क्या लड़ाई बातें होगी? नहीं होगी ना। फैजाने गिरामी, ये कदम कदम पे जाहिरन तो तारीखी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये तारीख तारीख नहीं है, ये कौमों के मुकद्दर संवारने के लिए वो जुमले हैं जो मासूम की जबान पे आ गए। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। अब जो सुबह नमूदार हुई होगी तो इसका तज़किरा तो तमाम अहले मदीना में हुआ होगा। तो फरमाए अच्छा, खुद बनी हाशिम के जो काफी अफराद मदीने में रह रहे थे, जो करबला थे, ये तो काफला करबला के लिए निकल रहा है, यानी मदीना छोड़ रहे हैं इमाम हुसैन, लेकिन बाकी अफराद तो वही हैं बनी हाशिम के, या जिनको वो अफराद के जिन्हें इमाम हुसैन से गहरा ताल्लुक था जो बनी हाशिम से नहीं थे, दूसरे खानदानों से थे, दूसरे कबाइल से थे, तो ला मुहाला उनके अंदर ये बात जरूर थी होगी कि ये वाकया पेश आया और ये तल्ख कलामी जो है दुश्मन की तरफ से हुई और ये सब कुछ हुआ जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ दिया। और यही ये भी सोचने की जरूरत है कि तारीख तबरी और दिगर तारीखों के अंदर जो ये सब अहले सुन्नत की लिखी हुई तारीखें हैं, तारीख कामिल इब्ने असीर, तारीख इब्ने खुलदून, उसके अलावा दिगर तारीखें जितनी भी हैं, उन तमाम के अंदर तकरीबन अक्सर किताबों के अंदर, अक्सर तवारीख इस्लामी के अंदर ये जुमला भी मौजूद है कि पर्ची भी यजीद की तरफ से वलीद इब्ने उतबा को भेजी गई थी इस खत के अलावा जिसमें बैयत का तज़किरा था, तो जो फरमाए और उसमें खुसूसी तौर पे चार अफराद के नाम जिक्र किए गए, उनमें एक नाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी था कि अगर ये बैयत ना करें तो सर कलम करके मेरे पास भेज दो। जो फरमाए तो इज़ाने गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत से इनकार किया, लेकिन अल्फाज कितने जो है वो मुनासिब इस्तेमाल किए, वो सुन लीजिए जरा कि कितने मुनासिब अल्फाज में वलीद इब्ने उतबा को जवाब दिया आपने। जैसे ही बैयत का मुतालबा हुआ तो इमाम ने फरमाया कि ये रात का वक्त है, क्योंकि रात के वक्त बुलाया गया था नमाज मगरिब के बाद, ये रात का वक्त है, तारीकी छाई हुई है, लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, लिहाजा जब कल तमाम अहले मदीना को तवज्जो कीजिए, जब तमाम अहले मदीना को तुम बैयत यजीद के लिए तलब करना तो मुझे भी बुलाना, मैं भी आऊंगा और उस वक्त मैं फैसला करूंगा कि मैं बैयत करूंगा या नहीं करूंगा, मुझे फरमाए उस वक्त फैसला करूंगा, लिहाजा अभी से कोई इस बैयत का सवाल अभी ना उठाया जाए, सुबह मुझे भी तलब किया जाए मुसलमानों की तरह, मैं हाजिर हूंगा। इमाम ये जुमले क्यों फरमा रहे हैं? इमाम बताना चाहते हैं कि अगर आज तेरे सामने बैठ करके मैं बैयत से इनकार कर दूंगा तो हो सकता है तो इस इनकार को मसलहत के पर्दों में छुपा दे, तो इस इनकार को सियासी मसाले के पर्दों में छुपा दे हैं, और ये कहे नहीं यूं कहा था, तो जो फरमा रहे यहां मैं ये चाहता हूं कि बैयत का फैसला तमाम मुसलमानों के सामने हो, जब तू तमाम मुसलमानों से बैयत लेना, मुझसे भी बैयत का सवाल करना, फिर मैं उनके दरमियान बताऊंगा कि हुसैन इब्ने अली यजीद की बैयत क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि सबको पता चल जाए, लेकिन वो मरवान की गुस्ताखी की वजह से वो बात अधूरी रह गई, वो मंजिल तकमील तक नहीं पहुंच सकी। तो इज़ाने गिरामी यहां रुक करके मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूं तारीख के हवाले से, और वो ये कि देखिए उस जमाने में अगर ये बात आपने अपने अज़हाने आलिया में रखी तो ये आज की पूरी गुफ्तगू आपके लिए जो है वो तारीख समझाने के लिए इंशाअल्लाह मददगार साबित होगी। देखिए उस जमाने में मीडिया नहीं था, ये अब से 1400 साल पुराना किस्सा, पुरानी जो है वो तारीख है, ये आजकल की कोई बात नहीं है, 2-4 साल पुरानी बात नहीं है, ये बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, आप तो सभी जानते हैं। लिहाजा उस जमाने में मीडिया नहीं था, ज़राए इब्लाग़ो तबलीग नहीं थे,
ऐसे वसाइल नहीं थे कि जल्दी से खबर पहुंचाई जा सके। लिहाजा ऐसे आलम में अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आलम इस्लाम में अपने बारे और यजीद के बारे में खबरें पहुंचाना चाहते तो पहुंचा नहीं सकते थे। तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि एक कासिद अगर कूफे भेजा जाता है तो वो कासिद कम से कम 10-15 दिन में पहुंचता है, उधर से जब वापस आता है 10 दिन में वापस आता है। एक मिसाल दे रहा हूं, सही है, जरूरी नहीं है कि कूफे पहुंचने के लिए 10 ही दिन काफी हो, नहीं, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील 20 दिन में कूफा पहुंचे थे, सही है, वो भी तारीख में मौजूद है। मैं तो मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ कि किसी शहर में अगर किसी को खत दे करके भेजा जाए और उसमें अपना किरदार और मुखालिफ की यानी बैत न करने की वजूहत बयान की जाए और ये खत उस शहर में पहुंचाया जाए तो ला मुहाला उसके लिए एक महीने की जरूरत है। और इस्लामी शहरों की तादाद उस वक्त कोई कम नहीं थी, बहुत शहर लेकर के आप यूं समझिए कि लेकर के कीनिया से अफ्रीका के वहां से लेकर के और सिंध तक, जो आपका पाकिस्तान का एरिया है, सिंध, सही है, वहां तक इस्लाम फैल चुका था, सही है, यानी यूं समझिए आप उसे, मैं जमीनी रकबे के एतबार से आपके सामने पेश करूं, तारीख ने लिखा कि यदि 12.5 लाख मील मुरब्बा जमीन का हाकिम था, साढ़े 12 लाख मील मुरब्बा जमीन पर हुकूमत थी यजीद की, यानी हाँ यहां इस्लाम था जहां जहां थी। तो अभी तमाम शहरों में हुदूद का पहुंचाना और अपने मकसद का लोगों तक पहुंचा देना और यजीद के बारे में बताना इतना आसान काम नहीं। अरे दूसरी बात ये कि जो मीडिया उस जमाने का था, जितना भी था, जो भी जिस हालत में भी था, वो मीडिया और वो जराए इब्लाग तमाम के तमाम हुकूमत के हाथ में होते थे। हर 45 मील के बाद एक चौकी बनी होती थी, जैसे आज रोड पे पुलिस चौकियां होती हैं हमारे यहाँ, वैसे ही हर 45 मील के बाद एक चौकी रखी गई थी हुकूमत की तरफ से कि इस चौकी पे जो है वो खत पहुंचा दिया जाए, बाकी हम यहां से जो है इस खत को आगे बढ़ा देंगे, या आप भी आराम करें जो लेकर के आया, क्योंकि ये एक साथ सफर नहीं कर सकता। तो उसके बावजूद भी काफी अरसा गुजर जाता था इस खत पहुंचाने के लिए। अमीर शाम की वफात, तवज्जो कीजिए, अमीर शाम की वफात 22 रजबुल मुरज्जब को हुई और खत पहुंचते पहुंचते फिर भी 4 दिन लग गए कि जबकि खत मुसलसल सफर में है, ये खत ठहरा नहीं है, फिर भी 4 दिन लग गए। 26 को या 27 को खत पहुंचा और फिर 27 को बैत का मुतालबा हुआ और 28 को इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना छोड़ा। तो 4 या 5 दिन तो तब लगे जब ये खत मुसलसल सफर में था, ये ठहरे ही नहीं, खत नहीं रुका, खत तो चलता रहा। ये जो कासिद आया एक चौकी तक पहुंचाता, ये आराम करता, घोड़ा आराम करता, दूसरा घोड़ा और दूसरा कासिद फौरन उसे लेता और आगे बढ़ जाता। तो इजाने गिरानी, क्योंकि जगह जगह चौकियां बनी हुई थी, अगर इमाम हुसैन चाहते कि एक खत बसरा भेजे, एक खत ताइब भेजे, एक खत मक्के के लिए लिखे, एक खत कूफे के लिए लिखे, एक खत जो है फला शहर फला शहर फला करिया फला की हाथ फला, तो ला मुहाला हजारों आदमियों की जरूरत पड़ती और वो नहीं थी। और जगह जगह परेशानी भी आती, हुकूमत उन खतूत को पकड़ती, उन्हें रोकती, सही है, उन्हें रोका भी जाता, उन्हें पकड़ा भी जाता। तो जो फरमा रहे, क्योंकि ये हुकूमत का तरीका था कि अगर कोई गैर चौकी से गुजर रहा है तो उसे चाहिए कि वो चेक होकर के गुजरे कि क्या ले जा रहा, कहां जा रहा है, किसी तरह से। और फिर खुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इनकार करने के बाद तो हुकूमत हसास हो गई ना, तो फरमाए, लिहाजा अब मुझे इंसाफ से बताइए कि ऐसे आलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कौन सा काम अंजाम दें कि सारी दुनिया को खबर भी हो जाए हुकूमत ना होते हुए, फरमाए कि सारी दुनिया को खबर हो जाए, हर मुसलमान को पता चल जाए और फिर इमाम की इस अजीम कुर्बानी के ऊपर कोई भी यजीद सिफत इंसान, दरिंदा सिफत इंसान तख्त पे बैठ करके जितनी भी कोशिशें कर ले उस शहादत को सियासी मसाले का लिबास न पहना सके। अब वो क्या काम करें इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम अलैहि मोहम्मद। लिहाजा उसके लिए मुझे तो जहमत उठानी पड़ेगी ना, सही, क्योंकि उसे
पर कोई देना पहले से कोई प्लानिंग नहीं है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अब आप अंदाजा कीजिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से ज़राए इख्तियार किए। सही, कौन कौन से ज़राए इख्तियार किए। पहला जरिया तो आपने ये लिया कि मैं मदीने से जा रहा हूं तो जो मुझसे मिलने आएगा मैं उसे यजीद के बारे में यहां बता करके जा रहा हूं। तो फरमाए अच्छा निकले कितना वक्त पहले, शहादत होना है 6 महीने बाद, निकल रहे हैं शहादत से 6 महीना। क्यों? ये मदीने के लोग तिजारत की गर्ज से, माल की गर्ज से, दूसरे वजूहात से सफर करेंगे 6 महीने में, बहुत से शहरों में जाएंगे। तो हर इंसान अपने शहर का नया वाकया बयान करता है, करता नहीं करता है? ये होता फितरत है इंसान की। लिहाजा जहां जहां यहां के लोग जाएंगे, चाहे वो किसी सबब से जाएं, जहां भी सफर करेंगे, ये वहां जाकर के मेरे निकलने की वजह बयान करेंगे। यानी कितना बड़ा वक्त लिया, कितना तवील अरसा रखा, शहादत और क्यों के जराए इबलाग नहीं है तो 6 महीने में कम से कम, ज्यादा भी ना सही, 5% अफराद को मुख्तलिफ शहरों की तरफ मदीने से निकल के जाएंगे है यानी, और वो जाकर के वहां जिक्र करेंगे कि इमाम हुसैन नबी के नवासे को मदीने में रहने नहीं दिया गया। तो सवाल उठेगा क्यों नहीं रहने दिया गया, इमाम हुसैन अपनी बहनों के साथ गए, सही है, नबी की नवासियों को भी साथ ले गए, अपनी बेटियों अपनी जो है बीवियों के साथ तशरीफ ले गए, बच्चे भी साथ थे। तो फितरत इंसानी है कि जैसे जैसे सवाल पैदा होता चला जाएगा वैसे वैसे जवाब मिलता चला जाएगा, और जैसे जैसे जवाब मिलता चला जाएगा वैसे वैसे फलसफे शहादत जो है वाज़ेह होता चला जाएगा। सलाम अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा इमाम हुसैन ने ये तवील फासला लिया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकल गए तो मदीने वालों को जो खबर हुई है तो 6 महीने का अरसा मिला इनको, यानी 6 महीने की मुद्दत मिली। सही है, तो इन 6 महीनों में यकीनन चेली गोलियां होती रही मदीने के अंदर, यानी यहां के लोग जाकर के जो है मीडिया का काम करते रहे, यानी तो इमाम की फरासत, इसे कहते हैं मासूम। ये है इस्मत कि आज 1400 साल के बाद जहन वहां नहीं पहुंच सकता जिस मकाम पे जहन मासूम काम कर रहा था। 1400 साल के बाद हम वहां नहीं पहुंच पा रहे, वहां नहीं समझ पा रहे जाकर के कैसे हुआ। अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़ देते हैं ताकि ये मेरे जाने के बाद चर्चे बाकी रह जाए मदीने के अंदर और यहां से खबरें निकलना शुरू हो, और अपना पूरा हदफ बयान करके जा रहे मदीने के अंदर। किससे कहा हदफ, किसके साथ? अच्छा, एक नुमाइंदा भी छोड़ा मदीने के अंदर, तवज्जो कीजिए, एक नुमाइंदा भी छोड़ा। यूं तो बनी हाशिम के बहुत से अफराद मौजूद थे, जनाबे हानी जो जनाबे मौलाए कायनात की बहन और इमाम हुसैन की फूफी थी, जनाबे अकील की औलादे मौजूद थी, जनाबे तालिब की औलाद और जनाबे जाफर तैयार की औलादों में भी जो है वह शख्स मौजूद थे, और दूसरी तरफ नबी अकरम के चचा जनाबे अब्बास की औलाद में भी ऐसे अफराद मौजूद थे जो इमाम हुसैन के साथ जो है वो यानी हम फिक्र थे, हम अकीदा थे, उनमें एक अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी। लिहाजा मोहम्मद हनफिया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, अभी मैं लफ्ज कैसे इस्तेमाल करूं, यानी यकीन जानिए कि न मेरा जहन इन लफ्जों को कबूल करता इमाम मोहम्मद हनफिया के लिए, और ना जो है वो अहले बैत का किरदार इसकी इजाजत देता। तो जो फरमाए, लेकिन मैं कहूं क्या कि ज़बान इतनी पुख्ता है हमारी कि हम उसके अलावा उसे तागीर नहीं कर सकते और बच्चों को नहीं बता सकते कि वो कौन है मोहम्मद हनफिया। जनाब मोहम्मद हनफिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं, लेकिन सौतेले भाई। तो जो फरमाए, सौतेले भाई हैं, यानी किस माना में कि बाप से एक हैं और मां अलग है। लिहाजा जनाब मोहम्मद हनफिया के नाम एक वसीयत कि आप मेरे नायब हैं मदीने के अंदर, आप मेरे नायब हैं, यानी नायब बनाकर के मदीने में छोड़ गए, और आपका फर्ज है कि यहां होने वाली हर तरह की हरकतों का और हर तरह के जो भी बनू मैया कर रहे हैं उनकी खबर मुझे देते रहना। एक नायब भी छोड़ा मदीने में, यहां के हालात क्या हैं वो मुझे बताते रहना, खत लिखते रहना।
इस खत के अंदर जो इमाम ने दिया है यही खत है जो इमाम के फलसफे शहादत को बयान करेगा सारी दुनिया के सामने कि इमाम क्यों निकले। इमाम ने फरमाया मिनल हुसैन इब्ने अली इला अखी है मोहम्मद इब्ने हनफिया कि ये खत है ये वसीयतनामा है इमाम हुसैन की जानिब से अपने भाई मोहम्मद हनफिया के लिए जिसमें फरमाते मेरे भाई मोहम्मद हालात ऐसे हो चुके हैं कि मुझे निकलना पड़ रहा है नाना का मदीना छोड़ना पड़ रहा है वरना हुसैन को कभी ये गवारा नहीं है कि माँ का मजार छोड़ें भाई की कब्र छोड़ें नबी का रोजा छोड़ें हैं मुझे गवारा नहीं है मैं खुशी से नहीं निकल रहा बल्कि उम्मत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि इस्लाम को खतरा है शरीयत मोहम्मदी को खतरा है मेरा निकलना बहुत जरूरी है। और इस खत के अंदर फरमाते हैं क्योंकि मुख्तलिफ ताबीरें की जाती बाद में लिहाजा इमाम ने अपने निकलने का मकसद इसके अंदर बयान कर दिया और ये खत मदीने ही में छोड़ दिया। तो फरमाए ये खत जिसे खत दिया वो भी मदीने में रहे और ये खत भी मदीने में रहे ताकि किसी को कोई शक हो कि इमाम हुसैन क्यों निकले तो मोहम्मद हनफिया की तरफ रुजू कर ले वो वसीयतनामा मौजूद है कि इमाम हुसैन क्यों गए। वो वसीयतनामा मौजूद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों गए लिहाजा आपने उसमें तहरीर फरमाया ऐ मेरे भाई इन्नी लम अखरुज अशिरन वला बतरा वला मुस्तदन वला जालिमा इन बल इन्नमा खरज को ले तलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ऐसी मजालिस के लिए एक घंटा काफी नहीं होता आदमी पहुंच नहीं पाता जहां पहुंचना चाहता। अब आइए सुनिए इसका तर्जुमा मेरे भाई मैं इसलिए नहीं निकल रहा हूं इसलिए नहीं मदीना छोड़ रहा हूं कि जमीन में फितना और फसाद करूं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि शर फैलाऊं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि किसी से जंग करूं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं लोगों को सताऊं या उन पर जुल्म करूं। तो फरमान क्यों निकल रहा हूं मैं ये चाहता हूं कि मेरे नाना की उम्मत शरीयत को और अहकाम इस्लामी को पामाल कर रही है और वो गाफिल हो चुकी है शरीयत की तरफ से मैं चाहता हूं कि उनकी इस्लाह करूं। तवज्जो कीजिएगा मैं चाहता हूं कि उनकी इस्लाह करूं। अब तफसील में जाने का वक्त नहीं है मुझे बहुत आगे पहुंचना है बस दो जुमलों में सुन लीजिए। हमारे यहां एक तसव्वुर पैदा हो गया वो तसव्वुर है बख्शिश का। तवज्जो कीजिएगा बाज मर्सियों में भी ये मिसरे मौजूद हैं कि इमाम हुसैन बख्शिश उम्मत की दुआ कर रहे थे जेरे संजर सब जानते हैं सही ना कि बख्शिश उम्मत की दुआ कर रहे थे मेरे खंजर। अजीजाने गिरामी ये तसव्वुर इमाम के पैगाम के साथ कोई किसी तरह की मुनासिबत नहीं रखता। और जो फरमाए ये तसव्वुर के इमाम हुसैन उम्मत जद की बख्शिश की दुआ कर कहा जेरे खंजर फरमाए ये तसव्वुर इमाम के इस पैगाम के साथ किसी तरह की कोई मुताबिकत नहीं रखता। क्यों बख्शिश कहते हैं माफ हो जाने को इस्लाह कहते हैं दुनिया में किरदार के सवार लेने को सलाह कहते मोहम्मद वाले बख्शिश का मसला वहां है यहां नहीं है। इमाम वहां की बहस नहीं कर रहे कि मैं वहां नाना की उम्मत की बख्शिश कराने के लिए जा रहा हूं। बहस है कि यहां उम्मत मुस्लिमा खराब हो चुकी है इनमें बेदीनी पैदा हो चुकी है इन्हें दीन पे अमल करने के लिए निकल रहा हूं इन्हें दीन की तरफ लाने के लिए निकल रहा हूं। तो भाई तो यह है इस्लाह के माना ये है इस्लाह के माना। तो अजीजाने गिरामी जिस काम के लिए इमाम हुसैन अली
अलैहिस्सलाम ने इतनी अजीम कुर्बानी पेश की कि उम्मत-ए-मुस्लिमा में मुसलमानों में कोई भी इंसान दीन के खिलाफ न रहे। मैं चाहता हूं कि उम्मत-ए-मुस्लिमा की इस्लाह हो जाए और ये अपने दीन पे अमल करने लगे, ये कुरान की अहमियत को समझने लगे, ये इस्लाम के अहकाम को समझने लगे और एक मुसलमान होकर के ये लोग जिंदगी गुजारने लगे। तो जो हमारे ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हदफ, तो अब होना क्या चाहिए? मैंने कल कहा था, शायद जुमला आपके अफसाने आलिया में हो, कि करबला वो नहीं है कि जो कहीं वाके हो और वहीं ठहर जाए। तो हमारे करबला उस वाके का नाम है जहां हुई थी, वहां ठहरी नहीं है, 1400 साल से सफर कर रही है और ये आजादारी उसी करबला का सफर है जो वहां से यहां तक आ गई है। क्या तुम नहीं देखते
कि लोग हक के मुताबिक अमल नहीं कर रहे हैं और लोग बातिल से मना नहीं कर रहे हैं। ये वसीयतनामा लिख करके जनाब मोहम्मद हनफिया के सुपुर्द कर दिया। अब आओ मदीने के लोग, 6 महीने का वक्त है, आकर के मोहम्मद हनफिया से पूछो, बाद में जो इश्कालात होंगे कि हुसैन क्यों निकले थे, तो जो फरमाए इमाम हुसैन क्यों निकले थे, उन इश्कालात का, उन एतराजात का दरवाजा इमाम ने निकलते हुए बंद कर दिया और अपने निकलने का मकसद वाज़े तौर पे बयान कर दिया कि मेरे निकलने की वजह ये है। अब एक बात सामने जरूर यहां से एक सवाल पैदा होगा और वो ये कि इस्लाह कितने तरीकों से की जा सकती है और इस्लाह के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के बाद में जब इस्लाम बहस करता है तो ये शर्त रखी गई कि उसके पास अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के करने की कुव्वत मौजूद हो, जो कर रहा है। और दूसरी शर्त ये कि पहले खुद जानता हो कि नेकी क्या है और बुराई क्या है। अगर खुद नहीं जानता तो हो सकता नेकियों से रोकने लगे, हो सकता नेकियों से रोकने लगे और बुराइयों का हुक्म देने लगे, क्योंकि उसे खुद इल्म नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि मुसलमान को कम से कम इतना तो इल्म होना चाहिए कि वो अम्र बिल मारूफ अच्छाइयों का हुक्म दे सके, तो अच्छाइयों को जानता तो हो, बुराइयों से रोक सके तो बुराइयों को पहचानता तो हो, तभी तो हुक्म देगा जब जानता होगा उनको, अगर नहीं जानता तो कैसे हुक्म दे। तो इंसान गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस खत को दे दिया। अब यही से जो मैं बात कर रहा था वो ये कि इस्लाह कब होगी और किस वक्त की जा सकती है। देखिए लफ्ज उम्मत इस्तेमाल किया और उम्मत का दायरा बहुत वसी है। अगर यूं कहते कि मैं अहले मदीना की इस्लाह करना चाहता हूं तो काम आसान था, हमारे अगर यूं कहते कि मैं अहले मक्का की इस्लाह करना चाहता हूं तो काम बहुत आसान था, एक शहर की बात थी। इमाम फरमा रहे कि मैं उम्मते मुस्लिमा की इस्लाह करना चाहता हूं। अब मैं ज्यादा तरीकों पर बहस नहीं, दो बातों पर बस सिर्फ आपके सामने पेश करना दो बातें। पहली बात तो ये कि इस्लाह के लिए ताकत की जरूरत है, कुव्वत की जरूरत है। फर्ज कीजिए कि हाकिम वक्त कोई गलत काम कर रहा है और मेरे जैसा कोई कमजोर इंसान जो किसी हुकूमत के किसी मनसब पे नहीं, किसी कुर्सी पे फाइज नहीं, किसी ओहदे पे फाइज नहीं, और वो ये कहने लगे कि हाकिम वक्त गलत है और इनकी बातों में मत आओ, तो मुझे ये बताइए कि मेरी ये इस्लाह का प्रोग्राम कहां तक पहुंचे। जहां से शुरू होगी वहीं खत्म हो जाएगी, है या नहीं? जहां से ये इस्लाह का प्रोग्राम शुरू होगा वहीं खत्म हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि मैं कमजोर हूं वो ताकतवर है, तो वो मुझे हुकूमत के जरिए अपनी ताकतों अपनी कुव्वतों का इस्तेमाल करके मुझे खत्म कर दे। अब यहां से एक एतराज हुआ, एतराज के मदीने से निकलते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि मैं इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। अभी मदीने में अहले कूफा के खुदूत नहीं आए, तो जो हमारे अहले कूफा ने खुदूत उस वक्त लिखे कि जब इमाम हुसैन मक्के में पहुंच गए। जब इमाम हुसैन मक्के में पहुंच गए अहले कूफा को खबर हुई कि इमाम हुसैन ने बैत नहीं की और यजीद को ललकार दिया और जो आप जो है वो मक्के मुकर्रमा में तशरीफ ले आए, तब यहां से खुदूत का सिलसिला शुरू हुआ। अब जब खुदूत का सिलसिला शुरू हुआ और जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत जो है वो 9 ज़िलहिज्जा को 1 महीना पहले करबला के वाके से जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत कूफे में हो गई, हुई शहादत क्या नहीं हुई। अब इस शहादत के बाद और इस खुदूत के सिलसिले के बाद अब मुअर्रखीन जो है वो एक बड़े परेशान है। अब वो कहते हैं कि इमाम हुसैन हुकूमत के लिए निकले थे, तवज्जो कीजिएगा, इमाम हुसैन हुकूमत के लिए निकले थे। इमाम का मकसद था खिलाफत पे कब्जा करना, इमाम ये चाहते थे कि बनू मैया से हुकूमत छीन करके जो है वो हुकूमत को बनी हाशिम में ले आए। दो खानदानों की बहस थी और ये दोनों खानदान इस जमाने से लड़ते चले आ रहे थे, लिहाजा इस तरह की गुफ्तगू अब शुरू हुई।
जो कूफा सामने आ गया, खुतूस सामने आ गए, हुकूमत की बहस होने लगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं उस मोहर्रिस से जो हुकूमत की बहस कर रहा है कि वो हमें ये बताए कि जब मदीना छोड़ा था, अपना घर छोड़ा था इमाम ने, उस वक्त कौन सा तसव्वुर हुकूमत का था इमाम के नजर में। भाई इमाम के पास कोई हुकूमत के असबाब नहीं थे, हाकिम होने के जो असबाब होते वो मौजूद नहीं थे, लिहाजा इमाम ने जब मदीना छोड़ा तब तो कोई हुकूमत का तसव्वुर नहीं था, इस्लाह का तसव्वुर था। हाँ, एक शहर से जहां तमाम मुसलमानों के शहर खामोश थे, वहां एक शहर से आवाज उठने लगी कि आप हमारी हिदायत के लिए तशरीफ लाइए, और उस आवाज में भी हिदायत और रहनुमाई की गुफ्तगू थी। तवज्जो कीजिएगा, उधर से जो मुतालबा किया गया इमाम से वो हिदायत और रहनुमाई का है, ये नहीं है कि हुकूमत हम आपको दे देंगे। तवज्जो कीजिएगा, हिदायत और रहनुमाई की गुफ्तगू है, हमारी रहबरी कीजिए, हमारा कोई इमाम नहीं, तारीख तबरी में ये खत मौजूद है कि हमारा कोई इमाम नहीं है, हमारा कोई हादी नहीं है, आप हमारी हिदायत के लिए आइए, और अगर फर्जंद रसूल इसके बावजूद भी आप नहीं आए तो हम अल्लाह की वाहगाह में आपकी शिकायत करेंगे। तो इमाम हुसैन को शहीद तो होना, कत्ल तो होना है, सवाल ये कि ये जो एक नई आवाज उठी कूफे के अंदर से, इस आवाज का क्या जवाब दिया जाए, इस आवाज को किस तरह से संभाला जाए। अगर इमाम अहले कूफा के 12,000 खुदूत पहुंचने के बाद कूफे में जनाब मुस्लिम इब्न यकीन को भेजते, तो वही मुअर्रखीन जो ये कह रहे हैं कि कूफे क्यों जा रहे थे, जबकि मालूम था कि उनके बाबा के साथ कूफे वालों ने वफा नहीं की, जबकि जानते थे कि उनके भाई के साथ अहले कूफा ने वफा नहीं की, फिर इमाम हुसैन क्यों जा रहे थे जानते हुए। अच्छा, तो जो मुअर्रखीन ये कह रहे हैं कि कूफे क्यों जा रहे थे, अगर इमाम कूफे न जाते फिर वही कहते कि जहां लोग हिदायत के लिए बुला रहे थे वहां तो गए नहीं और वहां चले गए। पूरे आलम इस्लाम में किसी ने मदद की बात नहीं की कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारे यहां जाइए। जो बुला रहे थे और इतनी तादाद में खत लिखे, उनके गुज़श्ता किरदार को दलील बनाकर के न जाना, ये तो कोई अजीब सी बात है, है या नहीं? लिहाजा इमाम को चाहिए था कि चले जाते, वहां महफूज रहते, मददगार मिलते। इमाम को तो पता था कि शहीद होना तो है, और मुस्लिम इब्ने अकील को करबला ले जाऊंगा, वहां भी शहीद होंगे, तो क्यों ना करबला से पहले एक शहादत देकर के बता दूं दुनिया को कि मैं तो हिदायत के लिए हर जगह पहुंचने के लिए तैयार हूं, शर्त यह है कि हिदायत हासिल करने वालों के तरफ को मेरी सुनाइए। बुला रहे थे और नहीं गए और वहां चले गए जहां कोई मदद था। इमाम ने कहा लो अहले कूफा को भी देख लो, जहां मुस्लिम वहां शहीद होने वाले हैं, क्या फर्क पड़ता है 9 दिन पहले हो जाए, 1 महीना पहले हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो शहादत पेश करना है। अच्छा, इससे एक बड़ा फायदा और हुआ कि जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत हुई 9 ज़िलहिज्जा को, 10 की सुबह में है ईद, ईद उल अज़हा 10 की सुबह में होती ना, 10 तारीख को, तो ईद की शब में जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद किया गया। अब ये जो करीब की बस्तियां थी, एक तो यही काफी कि मुस्लिम इब्ने अकील को मक्के से भेजा जहां बहुत ज्यादा मुख्तलिफ शहरों के मुसलमान जमा थे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि एक नायब बना करके इमाम ने कूफे भेजा है, क्योंकि वहां से मुतालबा किया गया कि किसी को भेजिए या खुद आइए। तो एक तो ये, दूसरे ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस सफीर की शहादत 9 ज़िलहिज्जा को हो गई, और ये भी जो है वो हुकूमत बनू उमय्या के खिलाफ हुआ। जाहिरन तो उन्हें अच्छा लगा कि हमने दुश्मन को कत्ल कर दिया, लेकिन हकीकत में ये भी बनू उमय्या के खिलाफ बात गई, क्योंकि तमाम मुसलमान अब अतराफ की बस्तियों में ईद की मुख्तलिफ रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को, अब ये कूफा छोड़ने वाले हैं सुबह को, और आज मुस्लिम कत्ल हो गए। तवज्जो कीजिए, जनाब मुस्लिम ने अकील शहीद कर दिए गए,
तो फिर वही मैं बात कह रहा हूं कि मीडिया की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, खुद पहुंच गई खबर, खुद पहुंच गई खबर हर जगह। तो जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील की खबर ने भी सारी दुनिया को जहां जहां खबरें पहुंची वहां ये पैगाम दे दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों निकले हैं। तो फरमाए और जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील ने जो है 2 महीने कयाम फरमा के कूफे के अंदर और किसी तरह का हुकूमत के ऊपर या दरबार के ऊपर या कस्र के ऊपर जो है अटैक न करके ये भी बता दिया कि हम हुकूमत के लिए आए होते तो हुकूमत हासिल कर लेते, लेकिन हम हुकूमत के लिए नहीं आए हैं, हम तो हिदायत के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, वरना 2 महीने मुस्लिम के लिए काफी थे कि कब्जा कर लिया जाता। सलात अले मोहम्मद वाले अजीजान गिरामी, जब जब तारीख में ये सवाल पैदा हुआ किसी आलिम ने अहले सुन्नत ने ये लिखा इमाम हुसैन हुकूमत चाहते थे खिलाफत चाहते थे, हम घबरा गए, हम घबरा गए। अब हमारा जहन हमारी जबान हमारा कलम सब कुछ उसके दिफा में लग गया, माने हम हर तरह से उसका डिफेंस करने लगे, नहीं ऐसा नहीं था, हमारे इमाम ऐसे नहीं थे, हुकूमत नहीं चाहते थे। लेकिन अजीजा ने गिरामी में जरा ठंडे दिल के साथ एक बात आप तक पहुंचा रहा हूं, उसे सुन लीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत चाहते थे तो हमें डरने की जरूरत क्या है। असल में ये प्रोपेगंडा किया गया बनु उमय्या की तरफ से शहादत इमाम हुसैन के बाद, प्रोपेगंडा हुआ इमाम हुसैन के खिलाफ। जाहिरन तो बात ऐसी थी कि चाहने वालों को बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो अंदर उसके जहर था कि शियों के इमाम इमाम हुसैन हुकूमत के लिए नहीं निकले थे। फरमाए ये प्रोपेगंडा शुरू हुआ क्यों कि ये अपने इमाम की इत्तेबा में कभी हुकूमत के लिए खड़े जो फरमाए ये अपने इमाम की इत्तेबा में कभी हुकूमत के लिए खड़े ना हो, कभी किसी मनसब की तरफ ना जाएं, और जब मनसब की तरफ और हुकूमत की तरफ ना जाएंगे ला मुहाला कमजोर होते चले जाएंगे। फरमाए कमजोर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत में जो ताकत है वो बाकी उसमें नहीं, तो ला मुहाला ये मुंतशिर हो जाएंगे, इनका कोई हाकिम नहीं होगा, ये किसी को हाकिम नहीं बनाएंगे। लेकिन तारीख ने इस प्रोपेगंडे को हमेशा झुठलाया, हमेशा झुठलाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद दौरे बनु उमय्या में सबसे पहले खड़े होने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाबे जैद शहीद हैं कि जिन्होंने हुकूमत के लिए कयाम किया और ये कहा कि ये हुकूमत कुरान और सुन्नत नबी अकरम को पामाल कर रही है, लिहाजा इस हुकूमत को खत्म करके एक ऐसी हुकूमत तश्कील दी जाए जो सुन्नत की भी हिफाजत कर सके कुरान की भी। जनाबे जैद शहीद हुए, लेकिन हुकूमत अलल एलान कि हमें हुकूमत चाहिए, हक है हमारा। यही याहिया इब्ने ज़ैद के साथ हुआ, उनके बेटे ज़ैद शहीद याहिया इब्ने ज़ैद, और उसके बाद इमाम हसन के कई बेटे और पोते तूले तारीख में हुकूमत हासिल करने की कोशिश करते रहे। तो अगर इमाम हुसैन वाकई हुकूमत नहीं चाहते थे तो क्या ये औलाद भूल गई कि हमारे इमाम की सीरत क्या थी। फिर वो जब हुकूमत के लिए निकले तो क्या उलमा भूल गए कि हुकूमत के लिए लड़ने वाले को शहीद नहीं लिखना चाहिए। मुझे फरमाए क्या उलमा इस बात को भूल गए, क्या आइम्मा जो बाद में आए इमाम मोहम्मद बाकर से लेकर के हमारे आखिरी इमाम तक, उन सबको पता नहीं था कि ज़ैद शहीद हुकूमत के लिए निकले थे, लिहाजा हुकूमत गलत चीज है तो उनको शहीद ना कहा जाए, उन पे रहमत के जुमले इस्तेमाल ना किए जाएं, लेकिन आइम्मा ने बार बार रहमत के जुमले इस्तेमाल करके और ये बता के कि वो हम में से थे और हमारे हक के लिए खड़े हुए थे, इस बात को साबित कर दिया कि हुकूमत के लिए खड़ा होना मुश्किल नहीं है या इस्लाम में हराम नहीं है, शर्त ये है कि ये वही हुकूमत चाहता हो
हुकूमत चाहता हो जो कुरान चाहता है। जनाबे सुलेमान भी तो हाकिम वक्त थे, हुकूमत मिली या नहीं मिली? तो अगर हुकूमत गलत है तो अल्लाह ने अपने नबी को क्यों दे दी? जनाबे दाऊद भी तो हाकिम वक्त थे, अगर हुकूमत गलत है तो खुदा ने दाऊद को क्यों दी? जनाबे यूसुफ भी तो मिस्र के अंदर हाकिम वक्त बने, अगर हुकूमत गलत थी तो खुदा ने जो है यूसुफ को क्यों अदा की? तो जो कीजिए, अगर हुकूमत गलत थी तो खुदा ने यूसुफ को क्यों अदा की? तो इसका मतलब कोई ऐसी शय है हुकूमत के जो अंबिया को दी जा रही है, और खुदा बताना चाहता है कि हुकूमत तो है ही हमारे बंदों की, हुकूमत तो है ही हमारे बंदों के लिए। ये तो दुश्मन है कि जो गलबे के तौर पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, हमारे बंदों से हुकूमत को छीन लिया है, वरना हक तो इन्हीं का है कि ये हुकूमत करे। अच्छा, ये हुकूमत और सियासत बदनाम क्यों हुए? ये लफ्ज बदनाम हो गया ना, इसलिए डर लगने लगा हमें। सियासत का लफ्ज बदनाम हो गया, हुकूमत का लफ्ज बदनाम हो गया। हमने देखा ये हुकूमत में है, ये गांव के प्रधान है, जितना आता बस्ती के लिए सारा खा जाते है या नहीं? ऐसा या नहीं? जब फैसले की बात आती तो हमेशा जो है ताकतवर का साथ देते है? और किसी कमजोर को सता के उसे कहते हैं ये सियासत है या नहीं? चोरी करते हैं, डाके डालते हैं और कहते हैं ये सियासत है, हमें तुम्हें नहीं पता है या नहीं? झूठ बोलते हैं, मकर करते हैं, गद्दारी से काम करते हैं, लोगों को जो है दबा देते हैं, सब कुछ करते हैं, कहते हैं ये हमारी ये सियासत है। अब जब उनसे कहिए अभी सियासत, तो ये सियासत को बदनाम कर दिया इन बदनाम सियासियों ने, हुकूमत को बदनाम कर दिया इन बदनाम हाकिमों ने। लिहाजा हमारे जहन में एक तसव्वुर आया कि हुकूमत कोई अच्छी अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, ये तो है दुनिया की सियासत और दुनिया की हुकूमत। इस्लाम में सियासत क्या है और इस्लाम में हुकूमत क्या है? एक हदीस सुन लीजिए, मुत्तफिक अलैह है, इमाम नबी अकरम ने फरमाया अब दीनो सियासा। समझो कीजिएगा, अब दीनो सियासा, कि हमारा ये दीन ही सियासत है, यानी इस्लाम ही सियासत है। क्या मतलब? कि सियासत के माना ये है कि तुम दीनदार बन जाओ, न किसी को नुकसान पहुंचाओ और न किसी से नुकसान उठाओ। फरमाए तुम हमेशा कौम की खिदमत करो, इंसानों की खिदमत करो, मुआशरे की खिदमत करो, इसका नाम है सियासत। अब क्योंकि वो सियासियों सियासी अफराद ने वो नहीं की तो वो सियासत बदनाम हो गई। हाकिमों ने वो काम नहीं किया हुकूमत वाला जो होना चाहिए इस्लामी एतबार से, हुकूमत का लफ्ज बदनाम हो गया। जब ये बदनाम हो गया तो हम घबराने लगे, हम डरने लगे। अब हम डरने लगे कि हुकूमत तो दीन के खिलाफ है। नहीं, हुकूमत ही और सियासत ही दीन है। हमारे हुकूमत और सियासत ही दीन है, बशर्ते कि उसे कुरान के मुताबिक होना चाहिए। फरमाइए आपने, आज भी कोई शरीफ अगर अपनी बस्ती में प्रधानी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहे ना, तो लोग कहते हैं हम आप शरीफ आदमी हैं, आप शरीफ आदमी हैं, प्रधानी से आपको क्या ताल्लुक रखते हैं? बहुत परेशानियां पैदा हो रही, लोग गालियां देंगे। क्यों? कि जहन में बैठ गया कि शरीर ही सियासत करते हैं यहां है या नहीं? भाई आपने या नहीं? खुदा की कसम, हर जमाने के लिए खुदा ने एक नमूना, एक आइडियल पैदा किया, हर जमाने के लिए एक आइडियल रखा, एक नमूना रखा कि तुम देखते चले जाओ और उसकी हकीकत को समझते चले जाओ कि हकीकत है क्या। अगर आज की सियासतों में ईरान की सियासत ना होती तो हर सियासत को बुरा कहा जाता और ये कहा जाता कि सियासियों का काम तो सिर्फ यही है कि वो जुल्म करें। अगर आज हुकूमतों में ईरान की हुकूमत ना होती तो लोग ये कहते कि हाकिमों का तो काम ही है कत्ल कराना और कत्ल जो है खून रेजी करना, फितना और फसाद बर्पा करना, दूसरे के मुल्कों पे जो है कब्जा करना, दूसरों की जमीनों को छीनना। होता या नहीं होता? खुदा ने कहा नहीं, हम हर दौर में एक आइडियल रखेंगे कि देखो जिसे समझ में ना आए कि इस्लामी हुकूमत क्या है, वो ईरान की
की हुकूमत को देख ले और फिर समझ ले कि जब कोई हुकूमत कुरान और सीरत अहले बैत के मुताबिक होती है तो उस हुकूमत को कमाल कितना कमाल मिलता है, और जो हुकूमत इस्लाम के खिलाफ होती है वो किस तरह सवाल पजीर होती। और हाकिम कैसा हो कि जब वो पहले दिन गया हो पार्लियामेंट में सदर बन के तो अपनी उसी स्कूटी से गया हो, और जब खिदमत करके 8 साल में घर आ रहा हो तो उसी से आ रहा हो, उसी से आ रहा। फिर ईरान ने इन 30 सालों के दरमियान एक आइडियल पेश किया कि तुम्हारी गलत फिक्र है कि हुकूमत अहले बैत का हक नहीं है या अहले बैत के चाहने वालों का हक नहीं है, इसलिए कि अगर ये अहले बैत के चाहने वाले हुकूमत में ना हो तो कोई भी जालिम का दिफा करने वाला ना रहे और कोई मजलूम की हिमायत करने वाला ना रहे। तो इन्होंने इत्तेबा किया किसका? मौलाए कायनात अहले बैत जिसकी वजह से यहां पहुंच गए। और फिर बता दिया कि अगर आलम इस्लाम में अली के कानून के और इस्लामी कानून के तहत हुकूमत की जाती तो यूं समझिए कि सारी इस्लामी और जितने ममालिक हैं वो सारे ईरान की तरह अमन अमान में होते। तो इस्लामी गिरामी हुकूमत से हम डरने लगे, हुकूमत के लिए नहीं निकले। अच्छा, इस्लाह का काम जो करने के लिए जा रहे हैं उसमें ताकत की जरूरत है या नहीं, उसमें कुव्वत की जरूरत है या नहीं, है ना? तो वो ताकत और कुव्वत कहां से मिलेगी कि पूरी उम्मत की इस्लाह हो जाए? तो अगर इमाम हुसैन हुकूमत इसलिए चाहते हैं और वो हुकूमत चाहते हैं जो तारीख में सुलेमान को मिली, जो तारीख में यूसुफ को मिली, जो तारीख में दाऊद को मिली, जो तारीख में नबी अकरम ने की, जो तारीख में हजरत अली अलैहिस्सलाम को मिली, अगर वही हुकूमत चाहते हैं और उसी मेयार की हुकूमत बनाना चाहते हैं तो इसमें बताइए कि इमाम हुसैन के जुर्म क्या है, खता क्या है? कोई जुर्म है, कोई खता है? अच्छा, एक मसला और है। अब हर मुसलमान से पूछिए, अल्लामा इब्ने खल्दून ने अपनी तारीख के अंदर इमाम हुसैन पे गुफ्तगू करते हुए जुमले लिखे कि हुकूमत का सवाबदार अपने जमाने में इमाम हुसैन से ज्यादा कोई नहीं था। हुकूमत का मुस्तहक अपने जमाने में इमाम हुसैन से ज्यादा कोई नहीं, जो जितने हाकिम इस्लामी के अंदर से बात होने चाहिए सब इमाम में मौजूद थे। तो अज़ानी गिरामी का मतलब यह है कि बहस यह नहीं है कि हुकूमत लेने के लिए निकले या हुकूमत जो है वो हासिल करने के लिए जा रहे, बहस यह है कि हुकूमत इमाम का हक था या नहीं था। अगर कोई मुसलमान कहता नहीं था तो फिर इन्हीं इमाम हुसैन के वालिद गिरामी इमाम अली अलैहिस्सलाम 25 साल तक हर खिलाफत के मौके पर क्यों अपने हक का मुतालबा करते रहे? 25 साल तक जब भी कोई खलीफा दुनिया से गया और दूसरा आने लगा है तो हर मौके पर आपने अपने हक का मुतालबा किया। बहस ये नहीं कि हुकूमत के लिए निकले, बहस ये कि हक है या नहीं। हक है ना भाई, आपका 1 रुपया मेरे ऊपर चाहिए तो ये आपका हक है ना, आपको मुतालबा करना चाहिए। अगर आप डर की वजह से बैठ जाते हैं और मुतालबा नहीं करते तो इसे तारीख और इस्लाम पुश्तनी कहता। इसे पुश्तनी कहा जाएगा। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि हुकूमत मेरा हक है, अगर मैं मुतालबा कर रहा हूं और चाहता हूं कि मेरा हक मुझे मिले तो इसमें यजीद या बनू उमैया को क्या एतराज है? और हमें डरने की क्या जरूरत है कि हम घबराने लगे इमाम नहीं हुकूमत के लिए? नहीं, इमाम चाहते थे कि इस्लामी हुकूमत हो जाए तो मुआशरा सही हो जाएगा। जो मैं चाहता हूं इस्लाह करना वो एक ही शक्ल में हो सकता है कि हुकूमत मिल जाए। हमारे एक ही शक्ल है बस कि हुकूमत मिल जाए तो पूरी उम्मत मुस्लिमा में जब मैं हाकिम करार दे दिया जाऊंगा और हाकिम बन जाऊंगा तो ला मुहाला कोई गलत काम नहीं होने दूंगा। अब ये हुकूमत का तसव्वुर खाली ये नहीं कि मुल्क का हाकिम हो, नहीं, जिसकी हुकूमत का जितना दायरा है
है। भाई आपकी फैमिली पे, आपके खानदान पे तो आपकी हुकूमत है या नहीं है? अगर है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करना है उस हुकूमत का, हाकिम होने का, तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कीजिए। हर फर्द को उसका हक दे करके बताइए कि जो कुछ नबी के घर में होता था वही नबी के चाहने वाले के घर में हो रहा है। जो किया आपने तो हुकूमत तो हक है, लिहाजा इस हक को जो है वो हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है इस हक को। और आप सब हाकिम हैं, कौन कहता आप सब हाकिम नहीं है? अपने अपने दायरे में अगर एक आदमी मेरी बात को मानता है, मेरे हुक्म को मानता, तो मैं उसके ऊपर हाकिम हूं या नहीं है? तो काश उन हुकूमतों का तस्करा तो बाद में करें, हम पहले अपनी हुकूमत को सही चला लें है? कि बेटे की शादी हुई, एक औरत घर में नई दाखिल हुई, मां निकल गई है? बेटा शादी करके ला रहा है, बीवी आई, मां निकल गई, बीवी आई, बाप निकल गया, तो कहां है हुकूमत? आप कहां है हाकिम है? आप कहां है अपने घर के ऊपर हाकिम? कुरान कहता अर रिजाल कवामून अला निसा, कि मर्द जो हैं वो औरतों के ऊपर जो हैं फौकियत रखते हैं। फरमाए हैं किस माना में? कव्वामूना, यानी वो ताकतवर हैं अपने जुस्से के एतबार से, अपनी अक्ल के एतबार से, अपने वजूद के एतबार से, लिहाजा हमने उन्हें हाकिम करार दिया है। लेकिन जब इस हाकिम की अक्ल पे पर्दा पड़ जाता तो औरत का पर्दा चेहरे से उतर जाता है। तो सवाल भी हैं। अब सवाल यह है कि आप अपनी हुकूमत घर के अंदर कुरान के मुताबिक कर रहे हैं? अगर कुरान के मुताबिक कर रहे हैं तो अली के मानने वाले भी हैं, हुसैन के चाहने वाले भी हैं, और अगर हुकूमत में कहीं यजीदी किरदार पेश कर रहे हैं तो हुकूमत तो आप भी कर रहे, लिहाजा उस हुकूमत को सही से चलाइए। मां को तकलीफ ना पहुंचे बीवी की ख्वाहिशात की वजह से, और बीवी को तकलीफ ना पहुंचे मां की ख्वाहिशात की वजह से। एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं, सही है ना, कि किसी को पूरी फैमिली के मेंबर जो है उसमें किसी को तकलीफ न पहुंचे। हर एक का एक हक है, वो हक उसको दे दिया जाए। जब वो हक मिल जाएगा तो यकीन जानिए कि फैमिली कंप्लीट होगी और सुकून से रहेगी, कोई परेशानी बातें नहीं होगी। जब परेशानी नहीं होगी तो लामहाला आपकी इज्जत जो है घर के अंदर बढ़ती चली जाएगी, आपका एहतराम बढ़ता चला जाएगा, और खुद ब खुद झगड़े और फसाद खत्म होते चले जाएंगे। ये है इस्लामी हुकूमत। तो अगर इस पे आप जो है वो कायम हो जाएं तो माशरा खुद ब खुद हमारा तो सुधर जाएगा, दुनिया का जाने का, सही है भाई? हमारा तो सुधर जाए, हमारा घर तो सुधर जाए। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि एक ही घर से तीन खवातीन, दो खातून, चार खातून हैं निकलती, जिस पे कुरान ने और अल्लाह के रसूल ने और इस्लाम ने और खुदा ने पर्दा साबित कर दिया, वो मोटा बुरका पहने हुए हमारे, जिस पे पर्दा साबित है वो मोटे बुरके में, चेहरा भी ढका हुआ, हाथों में भी दस्ताने पहने हुए है, नहीं ये सब भी देख दिया, देखे होंगे मनाजिरी। इस्लाम ने कहा कि चाहे अब तुम पर्दा करो या ना करो, तुम तो आजाद हो गई पर्दे से। क्यों क्यों आजाद हो गई? कि तुमसे अब मुआशरे को खतरा नहीं रहा। अब मुआशरे को तुमसे खतरा नहीं रहा मुआशरे को। क्यों? तुम्हारे अंदर जो नफ्स अब मारा था वो मर गया। जो नफ्स अब मारा था वो तकरीबन मर रहा है, मौत की आगोश में जा रहा है। लिहाजा तुमसे मुआशरे को, सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो 60 साल की खातून है बेचारी पर्दे में है, ये उनका अपना शरफ और फजीलत। देखिए मैं इनकार नहीं कर रहा, ये उनका शरफ और फजीलत कि उसके बावजूद भी चाहती है, मुस्तहब तो है पर्दा करे है। अच्छा एक नौजवान लड़की
माँ पर्दे में है या नानी पर्दे में है, नवासी बगैर पर्दे, उसकी उम्र है 16 साल 18 साल 20 साल 25 साल, वो बगैर पर्दे के, जिसके लिए इस्लाम कहता कि तुम पर्दे में रहो क्योंकि तुमसे मुआशरे को खतरा है, तुमसे मुआशरे को खतरा, तुमसे सोसाइटी को खतरा, लिहाजा तुम पर्दे में रहो, वो बगैर पर्दे के है नहीं। तो सवाल ये है कि जब इतना बड़ा जुर्म घर में हो रहा है, या यूं कहिए मेरी हुकूमत में हो रहा, तो मैं हाकिम कैसा हूं? तो वाहवा के जो माना हम लेते हैं वाहवा से बढ़ा दिए कि मौलाना, बस यूं कहिए कि आप तो बहुत अच्छी बात करें, लेकिन हम नहीं करेंगे कुछ, सही है? वाहवा के माना ये हो गया, सही है ना, कि तिबला आप तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन हमारी वस्तु ये, वाह वाह वाह, सही है जाओ, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, वाह वाह वाह। तो क्या वजह है कि वो फजाइल 1400 साल से आज तक मेरे किरदार में नजर नहीं आए? मेरे किरदार में क्यों नजर नहीं आते वो फजाइल, वो कमालात हैं जो अहले बैत के यहां थे? ये सोचने की जरूरत है। अब तो ये हो रहा है, जुलूस है, जुलूस में लड़कियां नंगे सर हैं, हत्ता पैंट शर्ट में औरतें शिरकत कर रही, एक ऐसा लिबास पहन करके कि जो उनको जेब नहीं देता और इस्लाम ने हराम करार दिया उनके लिए, अगर कोई पहनना चाहती है तो वो भी बुरके के अंदर पहने, फरमाए अगर मंजर आम पे यानी रोड पे आना चाहती है तो वो इस तरह इस लिबास में नहीं आ सकती, इस्लाम ने हराम करार दिया, फरमाए। तो अजीजाने गिरामी ये सब कुछ तो हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उनके पीछे पड़े रह करके क्या फायदा होगा, हमें क्या मिलेगा, कि जिनमें जो है वो सलाहियत की अब कुव्वत नहीं रही, ताकत नहीं रही, 1400 साल पहले जो मरे थे उनके पीछे धोखे पड़ गए, जो जिंदा हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे कि जिंदा को क्या करना है, भाई उसे तो अब हम, उसके अंदर सलाहियत मर गया, हलाक हो गया, अब उसके अंदर सलाहियत नहीं कि दोबारा मैदान अमल में आ सके, तो उसके नीचे तो कोई फायदा हमें मिलने वाला है नहीं, लिहाजा कम से कम जो जिंदा है उसे तो बता दें कि तुम हलाकत तक ना पहुंचना, अपनी जिंदगी को कानून इस्लामी के तहत गुजारना ताकि हलाकत से बचकर शहादत की मंजिल पे फाइज हो सको। बस अजीजाने गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हदफ और मकसद इस्लाह, और वही काम आज जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहा है, इस्लाह हो रही है नहीं हो रही लोगों, कोई ना कोई इतने मजमे में जरूर कोई बात लेकर के उठता है, और यही काफी है कि अगर एक इंसान जो है वो कोई नसीहत लेके चला जाए, कुछ सीख के चला जाए, किसी बात पे अमल करने लगे, सही है, तो वही काफी है और हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अजीजाने गिरामी, लेकिन आप कभी सोचिए कि इस इस्लाह के काफिले को आगे बढ़ाने के लिए और इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए और मुसलमान को मुसलमान बनाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितनी अजीम कुर्बानियां पेश, कितनी अजीम कुर्बानियां पेश। ये काफिला इस वक्त अभी रास्ते में है, अशिरान करबला का काफिला कूफे और शाम के रास्ते में है, दो सफर आएगी ना, तो उस दो सफर को ये मुसीबत सदा, ये परेशान हाल जिसमें यतीम बच्चे भी हैं, जिसमें बीवियां हैं, सरों पे चादरें नहीं हैं, हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई हैं, एक जो है हमारा इमाम भी है कि जिसके गले में जंजीरों तो कारदार जंजीरों में जकड़ा हुआ, आप अंदाजा कीजिए ये काफला रमा दमा है, शाम की तरफ जा रहा है, और शाम की तरफ जाते हुए तारीख ने लिखा कि एक शहर पड़ता है हमूस के नाम से, जो हजरात गए हैं शायद देखा भी, हलब के रास्ते में है, 130 किलोमीटर का फासला है दमिश्क सिटी से। इस शहर के अंदर जब ये काफिला वारिद हुआ तो तारीख ने लिखा कि शिम्र ने इस काफिले को धूप में बैठा गया, अपनी फौज के लिए खेमे लगा लिए, और इन आले रसूल को धूप में बैठा, शहर
साथ में भूख पे बैठी हुई। थोड़ी देर गुजरी, कुछ टाइम गुजरा, एक मर्दा मेरा और आपका इमाम उस तमाकुस से परेशान हो गया और खेमे के साए में जाकर के बैठ गए, क्योंकि हाथों में लोहे की जंजीरें पड़ी हुई थी, गले में लोहे का खारदार तौफ था। जब वो तपने लगा और जलने लगा, इमाम से बर्दाश्त नहीं हुआ, खेमे के करीब आए, कुछ खेमे का साया था, उस साए में इमाम बैठ गए। तारीफ लिखती के शिमर को किसी ने बताया कि वो कैदी धूप से उठ करके खेमे के साए में आ गया। तो एक बार शिमर को लेकर के आगे बढ़ा, सैयद सज्जाद को दा दिया ने सियासत दी, अरे मेरा मौला तड़प गया, एक शिमर ने लोहे की तंजीर चल रही है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शुक्र मेरे महबूब इराक के वो शहर
कि जो दुश्मनों के कब्जे में हैं उन्हें जल्द अज जल्द रिहा फरमा। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, दुश्मनान इस्लाम को भी इसको नाबूद फरमा। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मेरे माबूद हमारे दरमियान जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे दरमियान जो मकरूज हैं उनके कर्ज को बदा फरमा। हमारे दरमियान जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमें सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद को चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन दुनिया हासिल करने की तौफीक अता फरमा। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जब तक इस दुनिया में रहें मोहब्बत अहले बैत के साथ रहें, जब इस दुनिया से जाएं मोहब्बत अहले बैत के साथ रहें। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, अगर हमारे दामन किरदार में कुछ गलतियाँ हैं और गुनाह हैं, मेरे महबूद उन गुनाहों को बज़रिया शफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद के माफ़ करें। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इस जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के जरिए से मरहूमीन के दर्जात में इजाफा फरमा, मरहूमीन की मगफरत फरमा, मरहूमीन को जवारे आइमा में जगह अता फरमा, उन्हें वहशत कब्र और वहशत दोज़ख़ से निजात अता फरमा। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मेरे महबूद हमारे इमाम के ज़हूर में ताजीर फरमा, हमारा शुमार उनके आमाल सारे फरमा। एक मर्तबा सूरह हम लोग की मर्तबा सूरह तौफीक की तिलावत फरमा कर मरहूम मोहम्मद।